हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हरदा डिग्री कॉलेज, हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ट्वेल्थ की ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। वो हमने क्वेश्चंस जो देखे थे वो ये थे कि हमें ये सिर्फ पता करना था कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिनमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का इंटरवल निकालने को अगर आ जाए। मान लीजिए अगर आपसे एक कोई भी फंक्शन दे दिया और फंक्शन देने के बाद आपसे पूछा जाए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, अगर ये निकालने को अगर आपको आता है तो आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हम एक दो क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको समझना है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, पहला इंक्रीजिंग है, दूसरा डिक्रीजिंग। मतलब क्या करना है, हमें एक ऐसा इंटरवल निकालना है जिसमें कि ये जो फंक्शन दिया है ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। क्या करेंगे हम, जैसे यहां पर एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, इससे हम क्या निकाल लें, एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स, माइनस फोर एक्स का क्या हो जाएगा, फोर, प्लस सिक्स का क्या हो जाएगा, जीरो। कुल मिलाकर एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस फोर, ठीक है। ये आने के बाद एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे हम, जीरो रख देंगे। हमें इंटरवल जब भी निकालना होगा, इंटरवल निकालने के जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उस फंक्शन का उसको जीरो के बराबर रख दोगे। तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखा, मतलब 2x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू आ गया फोर, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, टू आ गया, ठीक। x इक्वल टू टू हमें यह बता रहा है कि यह उस पर्टिकुलर x की वो वैल्यू है जहां पर इस फंक्शन का नेचर ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये जो x इक्वल टू टू है, हमारी जो रियल लाइन होती है, रियल लाइन हमारी होती है यहां से रियल लाइन है अपनी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, रियल वैल्यू यहीं से ये तक चलती। ये जो x इक्वल टू टू है इसको दो इंटरवल में डिवाइड कर रही, यहां पर मान लीजिए x इक्वल टू अपना टू हो गया, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू ये निकली जहां पर हमें इसका नेचर नहीं पता है कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा इस पर, क्योंकि इस पर आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से एक इंटरवल हमारा यहां से यहां तक निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से टू तक का, ये रियल लाइन का। और दूसरा जो निकलेगा हमारा वो टू से लेकर इनफाइनाइट तक निकलेगा, ठीक है ना। ये दो हमारे पार्ट निकले इस लाइन के, एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर टू तक, एक टू से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि x इक्वल टू टू पर हमें इसका नेचर पता नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं पहले वाला इंक्रीजिंग के लिए, अगर बोला जाए या इसकी बात करूं मैं, हाँ चलिए इंक्रीजिंग की हम बात करें। यहां पर अगर मैं इंटरवल की बात करूं, अपना जो इंटरवल है टू कॉमा इनफाइनाइट लेते हैं, अभी हम टू कॉमा इनफाइनाइट लिया, इस इंटरवल की अगर बात की जाए इस पार्ट की, तो इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में इस एफ डैश एक्स की वैल्यू को देखिए, एफ डैश एक्स क्या है, टू एक्स माइनस फोर, ये एफ डैश एक्स निकाला था हमने, टू एक्स माइनस फोर। ये जो एफ डैश एक्स है अगर इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू में लेता, 2 से
मतलब दो से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी कोई भी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमने x इक्वल टू, यहां मान लीजिए कि 3 ले लिया, तो x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। x इक्वल टू मान लीजिए कि हमने 4 लिया तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 4 4 हो गया। मान लीजिए x इक्वल टू 5 लिया तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 6 आ गया। कुल मिलाकर अगर मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू ली जाए तो f डैश x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो इस रियल लाइन के इस पार्ट पर, टू कॉमा इनफाइनाइट पर, टू कॉमा इनफाइनाइट पर अगर बात की जाए तो टू कॉमा इनफाइनाइट पर x की कोई भी वैल्यू हम ले ले, x की किसी भी वैल्यू के लिए f डैश x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2, इनफाइनाइट। 2, इनफाइनाइट में ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हम बात करें सेकंड वाला पार्ट ले ले, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 तक की वैल्यू ले, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू ली जाए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से बड़ी होना चाहिए और 2 से छोटी होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 1 ले लेते हैं, तो उस केस में अपना f डैश x जो है, f डैश x को मैं 2 से छोटी वैल्यू अगर लूं, 1 ले लेता हूं, तो 1 2 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, नेगेटिव आएगा। कुल मिलाकर अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो से छोटी आएगी, है ना। आप माइनस टू इनफाइनाइट से 2 तक की कोई वैल्यू लेते हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। इस केस में इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन देखा हमने। एक बार फिर से मैं क्विक रिविजन कर देता हूं, क्विकली रिवाइज कर देता हूं इसको, कि ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये पूछा गया कि वो इंटरवल निकालिए जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका एक बार f डैश x निकाले, f डैश x को 0 के बराबर रखकर x की कोई वैल्यू निकाल लो। अब जो रियल लाइन है उस x की वैल्यू के अकॉर्डिंग उस रियल लाइन को उतने पार्ट में डिवाइड कर लो, x की जितनी वैल्यू आएंगी उसको आप सिक्वेंस में रखते जाए उतने पार्ट उस लाइन के हो जाएंगे या उतने इंटरवल हमारे पास बन जाएंगे। तो वहां पर हमारे पास x की एक ही वैल्यू आ रही थी सिर्फ 2, तो उस केस में हमने इस रियल लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक माइनस इनफाइनाइट से 2 तक और एक 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हमने दोनों में से कोई एक पॉइंट उठाया, उस पर वैल्यू अपने तरफ से रख के देखी, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, और f डैश x लेस देन 0 आता है तो उस केस में वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। एक और एग्जांपल से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।